तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरु जी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरु जी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 27 अगस्त 2020 गुरुवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण आज 12 में से 7 राशि वालों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग हैं, वहीं अन्य राशि वालों को आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे। तो आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत ज्येष्ठा नक्षत्र से होगी और आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में आप सफल रहें। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको कार्य क्षेत्र में प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग व सानिध्य आपको मिल पाएगा। संतान पक्ष से आशाजनक समाचार आपको मिल पाएंगे। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का समय काफी अनुकूल है। आज की गई मेहनत से आपको भविष्य में काफी लाभ मिलेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके लक्ष्मी नारायण भगवान का श्रद्धा पूर्वक गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीले वस्त्र और पीली मिठाई अर्पण करें। तुलसी पत्र चढ़ा करके ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन संतोषजनक और शांति से व्यतीत करने का दिन है। परिवार के साथ बहुत समय बाद अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आपको सफलता के प्रबल योग हैं और शासन सत्ता से गठजोड़ का आपको लाभ मिल पाएगा। अपना प्रयत्न आपको जारी रखना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में नए संपर्क के द्वारा आपको पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सायंकाल का समय प्रियजनों से भेंट व आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। तो आज आर्थिक पक्ष भी आपका बेहतर होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन उत्तम है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। लाल रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास शुद्ध घी का दिया जला करके कच्चा दूध और चने की दाल अर्पण करें और बैठ करके ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का भय रहेगा। अपने सामान की विशेष संभाल करके रखें। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में आशास्तीत समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, मन में जिससे हर्ष रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका काफी बेहतर रहेगा। आय के नए नए साधन प्राप्त हो सकेंगे। तो आज आर्थिक पक्ष आपका काफी मजबूत रहेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला करके श्री राधा कृष्ण जी की गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। मिश्री का भोग अर्पण करें। तुलसी पत्र चढ़ावें और बैठ करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का जो योग है उत्तम संपत्ति की ओर संकेत करता है।
आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति आप कर पाएंगे। आय के नए स्रोत प्राप्त होने के प्रबल योग हैं। सरकार के द्वारा मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। संतान के दायित्वों की पूर्ति अच्छे से आप कर पाएंगे। मित्रों या परिवार के साथ छोटी सी यात्रा सुखद व फायदेमंद रहेगी। सायंकाल में कोई रुका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा, जिससे मन आपका संतुष्ट रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका उत्तम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका कत्थई कलर है। कत्थई कलर का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीला पुष्प विशेष करके अर्पण करें। पीली मिठाई का भोग लगावें। तुलसी पत्र चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज पारिवारिक संपर्कों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आमदनी के नए स्रोत आपको मिल पाएंगे। आपकी वाणी की सरलता और सौम्यता आपको समाज में मान प्रतिष्ठा दिलवाएगी और विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा व प्रतियोगिता में विशेष सफलता के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में अनुभव का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में शत्रु पक्ष आपस में ही लड़कर के परास्त होंगे। निजी संबंधों में आपके मधुरता बनी रहेगी। सायंकाल में प्रिय व्यक्तियों का दर्शन व शुभ समाचार आपको मिल पाएगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका नींबू पीला है। नींबू पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात केले के वृक्ष के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके पीला वस्त्र अर्पण करें। चने की दाल अर्पण करें और ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त कर लेंगे। संतान पक्ष से संतोषजनक शुभ समाचार आपको मिलेंगे। दोपहर पश्चात किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत जो है आपके लिए खुशी का कारण होगी। यदि कोई विवाद आपका पहले से चल रहा होगा तो वह विवाद का हल आपके ही पक्ष में होगा। विद्यार्थी वर्ग को भविष्य के लिए अधिक जागरूक होने की आवश्यकता रहेगी। अभी की गई तैयारी आपको भविष्य में काफी लाभ देने वाली है। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का आटे का 4 मुखी दीपक जलावें। गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। पीले पुष्प की माला अर्पण करें और पीली मिठाई पंचमेवा का भोग अर्पण करें। तुलसी दल अर्पण करें और बैठ करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज प्रातः से ही आपके चारों ओर सुखद वातावरण रहेगा। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी। कई दिनों से चली आ रही धन के लेन देन की बड़ी समस्या का निदान मिलेगा। अचानक पर्याप्त मात्रा में धन आ जाने का सुख आपको प्राप्त होगा। विरोधी पक्ष आपके परास्त हो जाएंगे। पास व दूर की यात्रा का प्रसंग बन करके स्थगित भी हो सकता है। आज आपके निजी संबंधों में मजबूती रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके कच्चा दूध अर्पण करें। एक पीला वस्त्र बांध देवें। चने की दाल अर्पण करें। यथाशक्ति परिक्रमा करके
ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार आपको मिल पाएगा, बहुत दिनों से चली आ रही पारिवारिक कलह का समाधान होगा, हालांकि अपने स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाहर के खान पान पर संयम अवश्य रखें, खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता होगी क्योंकि इससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, बिजनेस बढ़ोतरी के लिए सोच विचार करके ही कोई बड़ा निर्णय आज आपको लेना चाहिए वरना आर्थिक नुकसान भी आपका हो सकता है, तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके भगवान राधा कृष्ण जी को पीला पुष्प अर्पण करें, पीले वस्त्र अर्पण करें और मिश्री का भोग अर्पण करें, तुलसी पत्र चढ़ा करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छा कार्य कर पाएंगे जिससे आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे, सरकार से निकटता व गठजोड़ का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में सहयोग व धन प्राप्ति के योग बनेंगे, विद्यार्थी वर्ग को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, साथ ही आपको विश्वसनीय कर्मचारी के रूप में सम्मान प्राप्त हो सकेगा, सायंकाल का समय सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिए उत्तम है, किसी नई वस्तु की खरीदारी करने के लिए भी दिन आज का ठीक है, तो आज आर्थिक पक्ष आपका बेहतर है और स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा सामान्य रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है, आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट एवं बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास गाय की शुद्ध घी का दिया जला करके चने की दाल और पीली मिठाई अर्पण करें, ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त कर लेंगे, आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास काफी सफलतादायक होंगे, साथ में कार्य करने वाले लोगों का आदर व सहयोग भी आपको मिलेगा, किसी झगड़े व विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, सायंकाल के समय अतिथियों के स्वागत का योग बना रहेगा, आज का दिन किसी शुभ कार्य करने के लिए भी ठीक रहेगा, तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका बादामी रंग है, बादामी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पीले वस्त्र अर्पण करें, पीली मिठाई का भोग अर्पण करें और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज परिवारजनों और छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, साथ में समय व्यतीत करने का अवसर अच्छे से आपको मिलेगा, कुटुंब में आप एक नई पहचान प्राप्त कर लेंगे जिससे आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी जो लाइफ है सामान्य रहेगी और आज पूर्व में किए गए धन निवेश किए गए धन से आपको वर्तमान में लाभ मिल पाएगा, हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सायंकाल के समय कोई विपरीत समाचार भी आपको सुनने को आज मिल सकता है, तो आज आर्थिक पक्ष आपका सामान्य है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन सामान्य है, तो आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका नींबू पीला है, इस रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके
गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पीला वस्त्र अर्पण करें, चने की दाल अर्पण करें, पीली मिठाई चढ़ा करके यथाशक्ति परिक्रमा करें। ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज का दिन संतान की चिंता तथा उनके कार्य में व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा। रिश्तेदारों से धन का लेन देन आज आपके संबंधों में खराबी कर सकता है, इसलिए लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। कहीं भी निवेश करने से भी आज आपको बचना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र और पुण्य कार्यों पर खर्च होना आज आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे मन आपका संतुष्ट रहेगा। तो आज आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बेहतर है। तो आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज सभी प्रकार के विघ्न संकट बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है कि प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दिया जला करके श्रद्धापूर्वक राधा कृष्ण जी का गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें, पीले पुष्प की माला अर्पण करें और भगवान राधा कृष्ण जी को मिश्री का भोग अर्पण करें, तुलसी दल चढ़ावें, एक श्रीफल चढ़ा करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व सफलतादायक आज रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।